हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है उनका मर्डर किया जा रहा है बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है उनके पुत्र की बात हो रही है उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है पहला पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और ये सबके ये चोरी सबके सामने हो रही है इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खेरी नहीं जा पाए पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे इट इज एरिगन्स बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट रियलाइज और अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द फार्मर्स एंड दे आर प्रोवोकिंग द फार्मर्स दे आर इंसल्टिंग द फार्मर्स दे आर किलिंग द फार्मर्स दिस इज ए वेरी डेंजरस एंड बैड आइडिया हमने हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है uh, हम तीन लोग जा रहे हैं सेक्शन वन फोर्टी फोर पांच लोगों को रोकता है तीन लोग सेक्शन वन फोर्टी फोर में जा सकते हैं तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है ये जो ये जो यूपी में हो रहा है किसानों को मारा जा रहा है मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एम ने भी रेप किया था तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं चाहे वो बलात्कार हो किसानों का खून हो और जो मारते हैं जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं हम वहां जाके देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं हमने क्या गलती की है और जहां तक प्रियंका की बात है ठीक है प्रियंका को बंद किया है मगर ये मामला किसानों का है देखिए हमारा काम ऑपोजिशन का, का काम प्रेशर बनाने का होता है जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए अगर हाथरस में हम गए नहीं होते वहां पे जिसने जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता वो भाग चे निकल जाते तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं हम दबाव क्यों डाल रहे हैं क्योंकि ये किसानों के साथ गलत काम किया गया है देश का जो ढांचा है इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है और यह सिर्फ मीडिया की बात नहीं है आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है डिक्टेटरशिप देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं किसानों से मिलने जाते हैं उनको कहा जाता है सेक्शन 144, फोर्टी फौर। कहते हैं मैं तो अकेला हूं वन फौर कैसे लागू होगा कोई जवाब नहीं अब डिक्टेटरशिप किस बात की है क्यों डिक्टेटरशिप क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं छोटे व्यापारी हैं उनसे चोरी हो रही है किसान है उनसे चोरी हो रही है और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है वेन वी गो वेन द चीफ मिनिस्टर्स माई सेल्फ अदर्स गो टू विजिट दिस फैमिली वी आर ट्राइंग टू गिव दम कॉन्फिडेंस दैट इन दिस कंट्री

ग्राउंड रियलिटी सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम ठीक है तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं इसलिए हम लखनऊ जाने हैं